शाम में चल जाती हूँ ना, उनका एक दफ़ा मुझसे पूछा, और बेटा सब ठीक ठाक है, तबीयत वबीयत सही है? उनका जी ठीक है सब, मुझे पता ही नहीं था मेरा काजल इतना फैला हुआ, मैं ऐसा ड्रॉ नहीं दिख रही बिल्कुल। ये ऐसे बड़े से पेट के ग्लास हैं गोले, तो बिल्कुल ही कहती ना कैप क्या चीज़ बना के दे दस दस रुपये में बच्चों को। हम भी कह रहे हैं मत अगर ऐसी उलट उलट के सीखे। मैं अभी सो के उठी हूँ और आज है जुम्मा, तो सबसे पहले काम करते हैं। अभी नहा कर आ गए हैं तो अभी कुछ खाएंगे, क्या खाऊँ यही भी समझ नहीं आ रहा मुझे। पहले मुझे लोशन लगा दो, बहुत ड्राई हो रहा है। मैं अभी मुझे केला मिल गया खाने के लिए, तो मैं केला से गुजारा करती हूँ, पराठा बनाने की हिम्मत नहीं है आज। मक्खियाँ मेरा पीछा नहीं छोड़ती हैं। हमारा तो अभी एक काम करना है कि जो कल मैंने व्लॉग बनाया था ना, वो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया, क्योंकि कल एडिट करते करते मुझे बहुत देर हो गई थी, 3 बज गए थे। मैंने कहा अब अभी अपलोड करूँगी कोई देखेगा नहीं, फ़ायदा नहीं है, और मैंने कहा अब अपलोड कर दो, तो मैंने अपलोडिंग पर लगा दिया, हो रहा है। तो नमाज़ पढ़ कर आएँगे आप लोग, तो फिर देख लीजिएगा। अभी मैं अपनी टांगों को धूप लगा रही हूँ, विटामिन डी मिलेगी। ये अभी शाम की चाय पी रहे हैं और सिल चाचू भी आ रहे हैं हमारे घर। यार ये अब मुझे समझ में आया कि मेरे साथ क्या हुआ है, मतलब मेरा काजल इतनी बुरी तरह फैला हुआ, मुझे पता ही नहीं कि मेरा काजल इतना फैला हुआ है। तभी तो शाम में सिल चाचू है ना, उनका एक दफ़ा मुझसे पूछा, और बेटा सब ठीक ठाक है, तबीयत वबीयत सही है? उनका जी ठीक है सब, मुझे पता ही नहीं मेरा काजल इतना फैला हुआ, मैं ऐसा ड्रॉ नहीं दिख रही। और जी रात के खाने के लिए मैंने पुलाव चढ़ा दिया, जो कि पक रहा है बुरी तरह से। फिर आज शायद मैं व्लॉग इतना बना नहीं पाई, शायद कहीं यकीनन नहीं बना पाई, तो पता नहीं डालूँ कि नहीं डालूँ, अगर नहीं बना होगा कुछ होगा नहीं तो डिलीट कर दूँगी, नहीं एडिट करके डालूँगी फिर तो। क्योंकि एक तो इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, अम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, अम्मी को करना पड़ा था सारा काम, अम्मी लेटी हुई हैं, मैंने कहा लेटे लेटे तो कुछ होगा नहीं, कुछ करना ही पड़ेगा। तो अभी आज शाम को अम्मी को फिर से दोबारा से थोड़ा बुखार होना शुरू हो गया है, और जिसमें मैं बहुत शरीर दर्द है, तो फिर मैं उठ गई, मैंने कहा मैं काम कर देती हूँ बाकी का। भाई ये कोई उस दिन जब कल हम लोग दुकान पे गए थे ना, तो ये कोई अंकल लिमका दे रहे थे इंस्टेंट टाइप, मैंने ले लिया, मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं कैसा। अभी सबसे पहले तो ये देखते हैं कि बनेगा कैसे। इस पर लिखा है कि दिख रहा है बड़ा ही कोई बारीक सा उन्होंने इस पर दर्ज किया हुआ है कि ठंडे या पानी के ग्लास में दोनों साथ एक साथ उंडेले चम्मच से मिक्स करें और खुश जायका मशरूब से लुत्फ उठाएं। लेट्स ट्राई। अब सबसे पहले तो मैं ज़रा ग्लास ढूंढूं प्यारा सा, अगर मिल जाए मुझे तो कोई, यार एक तो कोई भी ऐसे ना दरमियानी जसामत का ग्लास नहीं हमारे घर पे, सारे या तो बिल्कुल ही ऐसे भद्दे मोटे टाइप ग्लास हैं, या तो बिल्कुल ही ऐसे बड़े से पेट के ग्लास हैं गोले, या बिल्कुल ही कैथरीना कैफ। भाई साशे मैंने डाल ली है, इसके अंदर पानी डालते हैं। ये मैंने बर्फ़ की जगह तो छोड़ ही नहीं यार। ए भाई ये तो ऊनो है भाई, ग्लास तो कोई मिला नहीं, तो मैंने यही निकाल लिया कप अपना। है तो मजे का, अम्मी को भी पिलाती। अबे यार शिट, अम्मी नमाज पढ़ी। वैसे 10 रुपए में ये मशरूम बुरा नहीं है। बुरा लग रहा है मेरा, ये काजल फैल गया है ना सारा। अभी अम्मी ने सलाम फेर लिया, अभी अम्मी को चेक कराते हैं। ठीक है देखें, ऐसा ट्राई तो करें थोड़ा सा, जरा सा पी लेना आप अपनी उससे ही पी लेना है ना मुझे फिर तुम्हारी। अरे भाई यार क्या चीज़ बना के दे दस दस रुपये में बच्चों को।
हम भी कह रहे हैं आती अगर आती उलट उलट किसी भाई ये वो साशा था इसको मैंने पानी में डाला है जाने क्या दे रहे हैं दूध पानी अम्मी खुद दूध पानी पी रही है मुझसे कह रही तुम भी दूध पानी पियो क्या आपकी अम्माएं भी ऐसी बोलती हैं कि ये सब मेरी अम्मा बोलती हैं कमेंट करके बता उसकी बात तो अब्बू लेके गए मगर नहीं भाई अबू नमाज पढ़ने के लिए जाना चाह रहे थे तो उन्होंने बोला कि फिरोज तुम जा रहे हो तो मुझे छोड़ते हुए चले जाओ तो फिरोज भाई ने उनको मस्जिद छोड़ा और वो चले गए शांति तो अभी बस अम्मी और मैं हैं खाने पे अबू भी पता नहीं इतनी देर हो गई आए नहीं है हम लोग अभी खाना खा रहे हैं भैया मेरा गद्दा पता नहीं क्यों यहाँ से एंटर में से ना पिचक गया है बहुत मतलब इतनी मोटी तो नहीं हूँ मैं ना इतना लेटती हूँ मतलब फिर भी ऐसे पिचक गया है यहाँ से तो मैं सोचूंगी यहाँ से तो उठा हुआ है मैं इसको ऐसे पलट दूँ तो भी करते हैं भाई गद्दा पलट लिया अब उसके ऊपर बिछानी है चादर तो यार और इससे ज़्यादा ब्लॉग मैं क्या बनाऊँगी इस वक्त मतलब वैसे ही ना अम्मी की तबीयत ठीक ना मेरी तो आज का ब्लॉग बस इतना ही था मुझे नहीं पता ज़्यादा बनाया कि कम बनाया पर इतना ही बनाया तो इसी में गुजारा कर लो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को करना सब्सक्राइब करना नहीं भूलो यार कर दो सब्सक्राइब मतलब अगर देख रहे हो तो करो ना सब्सक्राइब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी।